तो यहाँ पे मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही यहाँ पे हमें दो बड़े बड़े हाथी देखने को मिलते हैं। देखिए एक इधर है और एक उधर है। अपना आज के टाइम में बोलते वेलकम और राजी टाइम में उनको स्वागत के रूप में ऐसे स्थापित किया हुआ। मिला ठाकुर जी बाजा। अच्छा 40-50 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ, 25 साल पहले। जब से भगवान की आस्था इतनी बड़ी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। गुड गाइस और जय चार विजय जी की। और आप मंदिर देख के आप गाइस पहचान ही गए होंगे आप आज मैं कहां पर हूं। तो आप जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैं हूं अभी कोटरी श्याम चार विजय जी ठाकुर जी महाराज जी के मंदिर के पास में। और ये हैं कोटरी वाले श्याम जी ठाकुर जी महाराज जी का मंदिर मेरे पीछे। और इधर है मेरे वो श्री नीलेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ पे। और ये बीच में सरोवर है जो काफ़ी खूबसूरत है इधर और उधर। और ये नीलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो बीच तालाब के सरोवर में पड़ता है, जो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है गाइस। और उधर मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा चार बजा जी का मंदिर है जो पूरा वाइट पत्थरों से बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है गाइस। ये एक अलग ही पत्थर से ये बना हुआ है चार बजे ठाकुर जी श्याम जी का मंदिर यहाँ पे पीछे। और बीच में सरोवर जो इसे और काफ़ी खूबसूरत बनाती है। और अभी हम श्री नीलेश्वर महादेव जी के पास खड़े हैं। और अभी मैं यहाँ के नीलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँगा चार बजे महाराज जी का मंदिर जो पीछे काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है। ये है नीलेश्वर महादेव जी की प्रतिमा और इधर ये शिवलिंग और शिव जी का नंदी। और इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पे ये जो ये शिवलिंग दिख रहे हैं ये भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। देखिए पुणे ये घूमेश्वर जी एक ये ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर ये एक ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ये भी ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ये, भीमा शंकर और केदारनाथ, ओमकारेश्वर, महाकाल। आपने मेरे महाकाल ट्रिप के ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो आप देख लेना गाइज में। और ये मल्लिकार्जुन और ये सोमनाथ, इन दिखाए हुए ज्योतिर्लिंगों में से मैंने एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली है महाकालेश्वर महादेव जी की, जो आपने मेरे वो वाले ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो गाइज प्लीज़ उनको भी देख लेना। और उधर दिख रहे होंगे आपको जो एक पोस्टर में वहाँ पर शिव जी लगाया हुआ है पोस्टर वहाँ पर बीच सरोवर के बीच में। और गाइज एक बात और है, अगर आप यहाँ आ रहे हो अगर आपको वोटिंग भी करनी हो तो यहाँ पे वोटिंग फैसिलिटी भी दी हुई है। देखिए गाइज ये वोटिंग है जो यहाँ पे वोटिंग भी कराते हैं। देखिए ये वोट खड़ी है यहाँ पे। देखिए ये है मुख्य द्वार जो काफ़ी भव्य है और काफ़ी बड़ा द्वार है यहाँ का। तो अभी मुख्य द्वार में एंटर होते हैं। तो गाइज अभी मैं मुख्य द्वार में एंटर हो चुका हूँ। और भाई साहब काफ़ी कमाल का मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है गाइज अंदर से। और इस मुख्य द्वार को भी देखिए गाइज, इसमें अलग अलग कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है गाइज अंदर से बिल्कुल वाइट वाइट, मतलब धूप के टाइम में तो ये मंदिर और चमकने लगता है, बिल्कुल स्पेस पे दिखता है जो धूप में और चमकता है ये मंदिर। तो यहाँ पे मुझे मंदिर में इंटर होते हैं सबसे पहले यहाँ पे सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर दिखा है, तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं पहले। शंख को दिखाया हुआ है इस नकाश में। और ये है सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर अंदर से जो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर भी मुझे अलग अलग नकाशियाँ देखने को मिल रही है। और ऊपर देखिए घूमर के नकाशी को, जो काफ़ी खूबसूरत घूमर बना हुआ है ऊपर। और ये हैं सर्वेश्वर महादेव जी और ये उनका नंदी और अंदर शिवलिंग विराजमान है और शिव और पार्वती जी की प्रतिमा है अंदर। और ऊपर भी अलग अलग प्रतिमाएं की तस्वीरें देखने को मिल जाएगी, तेजा जी और शिव जी और कृष्ण भगवान और गणेश जी, जो अलग अलग प्रतिमाओं की पोस्टर हैं वहाँ पे। इधर ये हैं दन्ना जी।
जब भी हमने सर महादेव जी के दर्शन कर लिए, अब हम चलते हैं सर चार भुजा जी के मेन मंदिर में, जो ये है मेन मंदिर यहाँ का। तो अभी आरती चल रही है शायद मेरे साथ। तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ढोल वोल बज रहे। तो यहाँ पे मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही यहाँ पे हमें दो बड़े बड़े हाथी देखने को मिलते हैं। देखिए एक इधर है और एक उधर है। ये बताते हैं कि यहाँ की प्रजापति समाज के द्वारा इन हाथियों को यहाँ पे बनवाया गया है। तो काफ़ी बड़े बड़े विशाल हाथी बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर एक तरह से ये दिखाया हुआ है यहाँ पे भी, आज के टाइम में बोलते वेलकम और प्राचीन टाइम में इनको स्वागत के रूप में ऐसे यहाँ पे स्थापित किया हुआ है हाथियों को। और यहाँ पे फूल प्रताश की दुकान है और ये है मेन दरबार यहाँ का, श्री कोटरी वाली श्याम दरबार। तो मैं पीछे के रास्ते से आया तो मैं आपको मेन दरबार यहाँ का दिखा नहीं पाया था। और ये इधर है भीमा शंकर महादेव चार भुजा मंदिर ट्रस्ट कोटरी। तो ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, जो छोटा सा बना हुआ है और वहाँ पे शिवालय और छोटा सा नंदी और शिव जी। तो ये यहाँ के पुजारी जी है जो यहाँ के मंदिर के बारे में हमें कुछ बताएंगे। ठाकुरों का किला था। अच्छा। और ये कोटली रियासत थी इनकी। यहाँ ये ठाकुर जी का इनका ही गढ़ मिला चार बुझाई बाजा। अच्छा। उसके बावजूद में धीरे धीरे 550 साल तक ये सब वीरान हो गया किला विला। फिर वो आजिबाज से दूसरों के पास में ये सेवा वेवा होती थी, जो पाल पुजारी बाहर से आते थे गांव से, वो बड़ी मुश्किल से सेवा करके भग जाते थे। 40-50 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ, 25 साल पहले। जब से भगवान की आस्था इतनी बड़ी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये चार भुजा का मंदिर तो बनाया गुजर समाज ने। अच्छा। और वो उधर जाट समाज का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर बनाया जाट समाज ने। इसमें दूसरे समाज का किसी का पैसा नहीं है। अच्छा। यहाँ ठाकुर जी के कम से कम 20 बीघा जमीन मोल ले ली। अच्छा। ट्रस्ट वालों ने, गांव वालों ने। अच्छा। मिल के अभी आप देख लो कि रोजाना रसोईयां होती है। इसकी महिमा चारों मेहर है, ऑल इंडिया में है। तो एक बार इन कबूतरों को भी देखिए, जो कितने सारे बैठे हैं मंदिर के ऊपर। जो यहाँ पे मुझे देसी पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ यहाँ पे। भी अच्छा लग रहा है गाइस। और इधर ऊपर ये पक्षी जो कबूतर ऊपर मंडरा रहे हैं, और भी शानदार लग रहा है। और पूरे मंदिर को मतलब ऊपर से तो मतलब देख रहे होंगे पीछे मेरे, मतलब कबूतरी कबूतरों से मतलब मंदिर के ऊपर का छज्जा नहीं दिख रहा। तो इधर आपको मैं अलग अलग धर्महाड़ाएँ देखने मिल जाएगी यहाँ पे। जो बाहर से यात्री आते हैं उनके रहने और ठहरने की, रुकने की यहाँ पे सुविधाएं होती हैं यहाँ पे। फिर ये पीछे खाना बनता है यहाँ पे, रसोई रसोई होती है। अगर किसी भी यात्री की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है तो यहाँ पे रसोई करवाते हैं वो। और इधर ये रसोई रसोई होती है, उनके रूम है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सुना है कि गैस की चार भुजा जी की जो मेन मूर्ति हैं उन पर अगर इत्र छिड़कते हैं तो वो उसका चार भुजा जी की मूर्ति का कलर चेंज हो जाता है, मतलब मैंने सुना है। तो अभी बताते हैं कि ठाकुर जी को इत्र छिड़कते हैं तो उनका कलर बदल जाता है, मतलब प्रतिमा का। हाँ, वो तो सब काला हो जाता है। अच्छा। ये मतलब सत्य है एक तरह का। हाँ, बिल्कुल सत्य। ये था गाइस जो मैंने आपको पूरा चार भुजा जी का मंदिर दिखा दिया मैंने। और अगर मैं चलता हूँ यहाँ के वोटिंग बाय की तरफ, जो यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है। आज चल नहीं रही क्या है? आज चल नहीं रही क्या? चालू है ना। चालू है। 50 रुपये एक के। तो ये भाई है जो यहाँ पे वोटिंग कराता है। चलती है भैया, हमेशा चलती है ना वोटिंग, तो हमेशा चालू ही रहती है, कभी भी आओ।
अच्छा, तो आप कभी भी आओगे तो ये आपको यहाँ पे ये भाई मिल जाएगा। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वोटिंग फैसिलिटी है, जो आप वोटिंग भी कर सकते हो। समय कम है मेरे पास, इसलिए मुझे जल्दी वापस निकलना पड़ेगा, वरना मैं कुछ देर और घूमता फिरता यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे भिलोड़ा जाना और कोटड़ी से मतलब लास्ट 6 बजे बस जाती है, फिर कोई बस नहीं जाती। अभी 5 बज गए, मैं रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए टाइम से पहले निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई 6 बजे बाद यहाँ पे कोई बस नहीं आती है मतलब भिलवाड़ा जाने की, तो फिर मेरे को लपड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैं जल्दी निकल जाता हूँ। ये शायद मस्जिद है यहाँ पे। तो आई होप यू गाइज कि ये व्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा और जय 4 बजे जी की। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल।